नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अंतिम चरण के मतदान को लेकर देश में सियासी घमासान मचा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी की नैया डूबने जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की हार को देखते हुए संघ ने भी प्रचार से दूरी बना ली, जो दर्शाता है कि बीजेपी का पत्ता इस बार के चुनाव में साफ होने वाला है। वहीं बीजेपी अभी भी 73+ के आंकड़ों का दावा कर रही है। अंतिम चरण के मतदान से पहले बीजेपी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। काशी से गोरखपुर तक चुनाव में कोई कसर न रह जाए, बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी के लिए भी अंतिम चरण का मतदान किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पूर्वांचल में वर्षों से कमजोर मानी जा रही कांग्रेस में नई जान फूंकने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने प्रियंका के कंधे पर छोड़ी। ऐसे में दबाव प्रियंका पर भी है, क्योंकि नतीजे तय करेंगे कि प्रियंका क्या वाकई कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुई। यानी अंतिम चरण के मतदान में साख बीजेपी की दांव पर है, क्योंकि जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उस पर बीजेपी और उनके सहयोगियों का कब्जा था। ऐसे में विपक्षियों के पास खोने को तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती अपनी सीटों को बचाए रखने की है। आज लोकतंत्र में हम पूर्वांचल के इस बार के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल मिशन 2019 अब अंतिम पड़ाव पर जा पहुंचा है। पूर्वांचल की जनता इस बार किस पर विश्वास करेगी ये तय करना मुश्किल, क्योंकि सभी पार्टियां जुबानी जंग में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो कह रहे हैं कि उनके गठबंधन के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी, तो बीजेपी कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है। नेताओं के दावे और जनता के इरादों के बीच बस चंद दिनों का फासला है, लेकिन तब तक सियासी माहौल इस बात को लेकर गर्म है कि जनता हमें ही आशीर्वाद देगी। लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। सातवें और आखिरी चरण के लिए 19 मई को मतदान है। यूपी में 13 सीटों पर सबकी नजर है। ये वही सीटें हैं जिसमें बीजेपी और उनके सहयोगी ने 2014 में परचम लहराकर रिकॉर्ड बनाया था। पूर्वांचल में इस बार यूपी के सभी सियासी दल दम भर रहे हैं। एक तरफ प्रियंका पूर्वांचल में प्रचार करने के बाद दावा कर रही हैं कि कांग्रेस कमाल करेगी, तो मायावती अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन की लहर है। पूर्वांचल की जनता ने इस बार बीजेपी को नकार दिया है। वहीं बीजेपी एक बार फिर पूर्वांचल में परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के हर नेता अपने गढ़ को बचाने में लगे हैं। विपक्षी दलों को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए साख का सवाल है। साख की लड़ाई में जीत पक्की करने के लिए मोदी खुद मैदान में हैं। आखिरी चरण में बलिया पहुंचे, जहां से उन्होंने पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। बिहार से सटे बलिया जिला और पूर्वांचल में विकास हमेशा से मुद्दा रहा है, लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जनता की नब्ज को टटोलते हुए पूर्वांचल के पिछड़ेपन दूर करने की बात की। गांवों की गरीबी की बात की, सुरक्षा की बात की, साथ ही प्रधानमंत्री ने सपा बसपा पर निशाना साधा। हाँ, मिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो गाली दो गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया अखिलेश पर बरस रहे थे, तो बसपा प्रमुख मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही थी। मायावती ने दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी की नैया डूब रही है। मायावती ने दावा किया कि यूपी में गठबंधन की लहर है और इस बार दिल्ली की सरकार बिना माया और अखिलेश के तय नहीं होगी। मायावती ने दावा किया कि मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे और ये बात आरएसएस ने भी मान ली है, क्योंकि इस बार यूपी में आरएसएस कहीं नहीं दिख रहा है। इस बार चुनाव में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है और वह इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी के कारण भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक झोला लेकर चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती बीजेपी की हार का दावा कर रही हैं और गठबंधन की जीत
तय बता रही हैं। माया के दावे को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। गवर्नमेंट चलाने के कारण सपा और बसपा दोनों ने चलाई है दो दो तीन तीन बार। इनकी विश्वसनीयता साख जनसामान्य में अलग अलग भी देखा जाए तो समाप्त हो चुकी है। अब दोनों के गठबंधन के बावजूद जो किसी अलायंस की विश्वसनीयता और साख जनसामान्य में बननी चाहिए वोट हासिल करने के लिए, वह नहीं बन पाई है। हमारी सरकार को 2014 के तुलना में अधिक सीटों पर हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हो रही है। इस संभावना को भी नहीं नकार सकते हैं कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाए। मतगणना से पहले नेता अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन जनता ने किसे लोकतंत्र का राजा बनाया है, किसे रंग, ये तो 23 मई को ही तय होगा। फिलहाल चुनावी महाभारत में आखिरी दौर की लड़ाई लड़ी जा रही है। 8 राज्यों के 59 सीटों के लिए प्रचार जारी है। अभी से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 2014 में जिस पूर्वांचल ने यूपी की सियासत बदल दी थी, क्या वो जनता इस बार बीजेपी पर फिर विश्वास करेगी? क्या गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। या तो यूपी में अंतिम चरण का रण काफी दिलचस्प है। ऐसे में विपक्षियों के पास खोने तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती अपनी सीटों को बचाए रखने की। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बार के समीकरण क्या कुछ नजर आ रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो से तीन खास मेहमान हैं। शिव पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही चौधरी मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी की प्रवक्ता अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मोहसिन साहब मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि अंतिम चरण का रण बाकी है, लेकिन पिछले चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगियों का कब्जा था। कितनी कठिन चुनौती देख रहे हैं गठबंधन के लिए? सर कोई चुनौती नहीं है। अच्छा जी, कोई चुनौती नहीं है। 2014 में ये झूठ बोलकर आए और जनता को इनके झूठ के बारे में पूरी तरीके से पता चल चुका है। मोदी जी अपनी जनसभाओं में अपनी तारीफ के अलावा कुछ करते नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं बोलते दिख रहे हैं। ना वो व्यापारी की बात कर रहे हैं, ना गरीब मजदूर की बात कर रहे हैं, ना किसान की बात कर रहे हैं, ना महिलाओं की बात कर रहे हैं, ना उन बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। तो जनता तो बैठी हुई है इस लोकतंत्र के त्योहार को मनाने के लिए, और उसने 6 चरण में गठबंधन को भारी भारी वोट देकर सबसे आगे रखा है। और तो आपके इन दावों का आधार क्या है, ये हम समझना चाह रहे हैं कि दर्शक भी समझे कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं। आपको आधार बताया तो कि इंतजार में बैठा हुआ था किसान, इंतजार में बैठा हुआ था व्यापारी जो GST से पीड़ित है, जो नोटबंदी का शिकार हुआ है। आप बताओ, आप मोदी जी, अगर मोदी जी ने ये देश हित के कार्य किए थे तो इतनी सभाएं करी हैं, इतनी जनसभाएं करी हैं। आप एक जनसभा उठाकर देख लो अगर उन्होंने इस पे कोई बात करी हो। सरकार सवाल सरकार से पूछा जाता है, और यहाँ तो मोदी जी खुद विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। जवाब देने का काम अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। तो गठबंधन ही क्यों, कांग्रेस भी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि इस बार हम भी त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। शिव पांडे जी, किस आधार पर आप लोगों का ये दावा पुख्ता माना जाए, या फिर गठबंधन आपको लग रहा है कि बढ़त ले रहा है? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बहुत ही भौतिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही समझदार लोग हैं वहां पर, और उनको ये पता है कि इस देश का विकास कौन कर सकता है, इस प्रदेश का विकास कौन कर सकता है। बड़े ही दुखे शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पूर्वांचल से आते हैं। एक बनारस से सांसद हैं और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से हैं। सांसद जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कोई भी ऐसा पूर्वांचल के विकास के लिए काम नहीं किया है जिस वजह से पूर्वांचल की जनता उन्हें वोट दे। दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी जो हमारी प्रभारी हैं, उन्होंने इलाहाबाद से गंगा यात्रा स्टार्ट करी और उन लोगों का संज्ञान लेने की कोशिश करी जो गंगा के किनारे सबसे पिछड़े, अति पिछड़े लोग रहते थे, जहां तक
ये नेता लोग नहीं पहुंच पाते थे। कांग्रेस की जो एक सोच और समझ है कि हमें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वहां तक हमारी पार्टी ने शुरुआत करी। नहीं, लेकिन लोग अगर ये सवाल पूछेंगे, नहीं अगर पांडे जी लोग ये सवाल पूछेंगे कि इससे पिछले 10 साल केंद्र में आपकी सरकार रही, वही रायबरेली, वही अमेठी, वहां से आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन भी रहे, उन पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना कि उन लोगों ने पूर्वांचल पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी प्रदेश की विकास की बात होती है तो जो प्रदेश की सरकार होती है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप याद करिए कि 89 तक हमारी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पूर्वांचल में, सबसे ज्यादा चीनी मिले थी। चीनी का कटोरा कहा जाता था पूर्वांचल को। सबसे ज्यादा विकास जो पूर्वांचल में हुआ, अगर यूरिया फर्टिलाइजर की फैक्ट्री आई और छोटे मोटे उद्योग गोरखपुर के अंदर लगे, तो वो भी देन कांग्रेस की थी। तो ऐसा क्या याद होगा, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए पिछले 30 साल का वक्त हो गया है वनवास का, ऐसा क्या रहा जो आप दावा कर रहे हैं कि हमने इतने काम किए थे उसके बावजूद अगर जनता ने भरोसा नहीं किया तो कुछ तो वजह रही होगी ना पांडे जी? नहीं, कोई वजह नहीं रही होगी। जिस तरीके से बाकी छोटे दलों ने, बाकी प्रादेशिक पार्टियों ने जात पात में उत्तर प्रदेश को बांट दिया, जिसकी रणनीति कभी कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेके चलने की रणनीति करती है, विकास की रणनीति करती है। उत्तर प्रदेश को जात पात में बांटना, हिंदू मुस्लिम में बांटना, जिसका नुकसान हो सकता हो कि कांग्रेस का इतने सालों में हुआ हो। अनीता अग्रवाल जी, दावे तो विपक्षों की तरफ से खूब किए जा रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को धूल चटा कर मानेंगे। बहन जी ने तो कह दिया कि अब तो आरएसएस ने भी साथ छोड़ दिया। आपको नहीं लग रहा कि कठिन चुनौती है, क्योंकि आपके विरोधियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों के पास बहुत कुछ है खोने के लिए। अक्षय जी, अभी मैं पूरे पूर्वांचल के दौरे से कल रात ही में आई हूँ और आपको मैं सही बता रही हूँ, गांव गांव जाके मैंने एक पत्रकार की तरह बात की है और लोगों ने जो विश्वास दिया है उससे साफ समझ में आ रहा है कि 13 सीटें पूर्ण बहुमत से आ रही हैं ये जो चुनाव वाली, क्योंकि मैं इन्हीं के दौरे से कल रात में आई हूँ। मैं गोरखपुर भी गई, मैं बनारस भी गई, चंदौली, सब जगह होके आई, कल रात में आई हूँ और गांव में गई, स्पेशल गांव में, जब जो ये लोग कहते हैं ना, अरे जात की बात अभी इन्होंने बहुत अच्छे से कह दी कि जात पात की राजनीति हम करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति। अभी आप देखिए जात की राजनीति किसने शुरू की, मायावती जी ने, कि मोदी जी किस जात के हैं, कैसे हैं। और दूसरी, अभी नवाब ने बोला है कि अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू अगर बन गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुसलमान होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा था इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब आप बताइए, ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति स्वयं करते हैं, जात पात की राजनीति स्वयं करते हैं। हमने सबका साथ सबके विकास के लिए काम किया है, हमने जो शौचालय दिए हैं उसमें हमने सबको दिए, आवास दिए हैं वो सबको दिए, आयुष्मान भारत दिए। आप कह रहे हैं कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। अनीता अग्रवाल जी सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक खास तबका जिसका आपने जिक्र भी किया, वो मुस्लिम समाज बीजेपी के नाम पर इतना डर क्यों जाता है, वो सपोर्ट क्यों नहीं करता? देखिए, मैं आज आपको बताऊं, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से मिलके आई हूँ। आप बनारस में जाके देखिए, वहाँ के मुस्लिम लोग कन्विंसिंग कर रहे हैं उनकी, और मुझसे हमसे अव्वल कह रहे हैं भैया हम लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा रोजगार हो गया है और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए। और सबसे बड़ी बात आपको एक बता दे, अच्छा जी, इनसे रोजगार के बारे में पता कर लीजिए, क्या रोजगार हो गया, उन्हें भी सुन लीजिए ना वहाँ पे जो, साहब जो बोला मतलब ये ऐसे नहीं, लोग सुनना नहीं चाहते, दिक्कत विकास। आप सच बोलिए ना, आप झूठ बोल के 2000 आप सर्टिफिकेट भी मोहसिन साहब आप ही दे दोगे क्या, 2017 आप ही सर्टिफिकेट भी दे दोगे क्या कि आप जो बोलेंगे वो सत्यवाणी, अगर कोई दूसरा बोलेगा तो आप बीच में मैं आऊंगा तब आप अपनी बात तर्कों के माध्यम से रखिएगा ना। देखिए वहाँ पे इतना विकास कार्य हुआ है, जो विकास से रोजगार मिले हैं लोगों को, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आज भी इतना विकास हो रहा है। मुझे बताइए चुनाव में गोरखपुर में जनता ने धूल क्यों चटा दी? भैया की भी तो बात कर लीजिए, अनीता अग्रवाल जी की भी तो बात, अनीता अग्रवाल जी दुहाई दे, इतना काम किया था मौसम साहब प्लीज। एक तो बड़ी दिक्कत ये हो जाती है आप लोगों के साथ, आप लोग सुनने का मादा नहीं रखते हैं। मैं आऊंगा ना जब कह रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए।
अनीता अग्रवाल जी, मुझे बताइए कि अगर आपने इतना काम किया, पूर्वांचल पर इतना फोकस किया, उपचुनाव के नतीजे तो आपके पक्ष में नहीं रहे, वहां पर गठबंधन ने कैसे धूल चटा दी आपको? देखिए ऐसे अक्षय जी, जो उपचुनाव की बात है और जो आम चुनाव है उसमें बहुत फर्क होता है, और ये चुनाव में देखिए हर जनता जान रही है कि चाहे समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए नहीं लड़ रही है, बहुजन गठबंधन पूर्ण बहुमत के लिए, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के लिए नहीं लड़ रही है, ये लोग सब अपना अस्तित्व और अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, और इनको जनता को पता है इन्होंने जाके ऊपर सौदेबाजी करनी है कि भैया तुम हमें ये मंत्रालय, और ये जनता अच्छे से, जनता बहुत समझदार है, 14 में देखिए जनता इधर जिसको भी दे रही है पूर्ण बहुमत दे रही है, और जब पूर्ण बहुमत के लिए सबको मालूम है कि लोग नहीं चुनाव लड़ रहे हैं ना, मैडम इस देश में गठबंधन की भी सरकारें रही हैं, जब गठबंधन से लोगों की नाराजगी हुई तब लोगों ने पूर्ण बहुमत देने का फैसला किया, और अगर वादों पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर ये ऑप्शन भी तो लोगों के पास खुला हुआ है कि किसी दूसरे पर यकीन करें। लेकिन मुझे ये बताइए मोहसिन साहब, आप लोगों पर ही क्यों भरोसा करें, क्योंकि आप लोग जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उस पर अकेले दम आप सरकार बनाने में सक्षम तो नहीं है, आपको भी किसी ना किसी के सामने जाना ही पड़ेगा सहयोग में। अक्षय जी, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बता दिया है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मगर हम प्रधानमंत्री देश को नया देंगे जरूर, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि ये अनीता जी बोल रही है, बता रही है कि पूर्ण बहुमत, अभी आज ही मैं आज और कल की डेट में नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, हम फुल बहुमत की सरकार नहीं बनाएंगे, देश में हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे चाहे जिससे गठबंधन करना पड़े। तो एनडीए का मतलब ही गठबंधन हुआ ना, वो खुद बैकफुट पे आ गए, वो खुद नरम हुए जा रहे हैं। ये बताइए विकास का तो मतलब ही गठबंधन है ना, यूपीए का तो मतलब ही गठबंधन है ना, हमारा तो गठबंधन। अनीता जी सुन लीजिए, अनीता जी उन्हें भी सुन लीजिए, मोहसिन साहब मुझे बताइए ना, गठबंधन में तो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, गठबंधन कुछ नहीं है, हमारा सांप और छछूंदर का गठबंधन है, आपका गठबंधन गठबंधन। सर मुझे बताइए, मुझे बताइए, कैबिनेट मुझे बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी आपके विरोध में, सुन तो लीजिए, आप कैसी सरकार चला, सुन तो लीजिए मोहसिन साहब, आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि बहन जी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है, प्रधानमंत्री के तौर पर वो उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग गठबंधन में 2 सीटें छोड़ने के बाद 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सब पर जीत भी जाते हैं तो बाकी तो सहयोग की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से दल आपके समर्थन में आ जाएंगे जो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो जाएंगे? देखिए जब हम 78 सीट जीत जाएंगे तो हम खुद देश में नया प्रधानमंत्री बनाने के काबिल रहेंगे, काबिल हो जाएंगे, और बनाएंगे, अब की बार ये गठबंधन बनाएगा, और आप देखना ये जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब 23 तारीख के बाद मिलेगा, अभी से कोई बात कोई टिप्पणी करने वाला नहीं, मगर तो सर दावे क्यों कर रहे हैं फिर? की बात इंतजार की गठबंधन की बात करें ना, नहीं दावे अगर करेंगे तब तो हम आधार पूछेंगे ना कि इन दावों के पीछे आधार क्या है। अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप ये अंतिम चरण का रण किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर पर पूर्वांचल के दिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, समीकरण आपके हिसाब से क्या कुछ कह रहा है? हेलो, अच्छा जी देखिए इसको 2-3 संदर्भों में देखना होगा, दो चरणों में जो अभी मतलब चुनाव पूर्वांचल की मुख्य रूप से उसमें ये लास्ट चरण है और पूर्वांचल का हिस्सा है जहां पर जो है 13 सीटों पर चुनाव होना है, यहां पर 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 5 पर जो है बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में जो है लगभग 90% जो है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा है, क्योंकि वह 2014 का चुनाव लगभग सभी सीटों पर जीत गई, गोरखपुर में उपचुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी के हिस्सा में चला गया। अगर हम 2009 से अगर इसका तुलना करें तो उसमें लगभग जो है 5 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में रही, करीब 4 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही, 2 सीट जो है कांग्रेस के पास रहा और फिर भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, बाकी जो बचा 2-3 जी। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो करीब 5-6 सीटें ऐसी बनती दिख रही है, जैसे कि आपका गाजीपुर है, देवरिया है, फिर आपका
कुशीनगर है और इधर चंदौली है, मिर्जापुर है, रॉबर्ट्सगंज है, जहां पे समाजवादी पार्टी और बसपा का वोट मिला करके भारतीय जनता पार्टी से जो है लगभग 5% से लेकर के 10% का जो है मार्जिन अधिक हो जाता है। तो अगर अंक गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है महागठबंधन जो भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि क्या वोटों का ट्रांसफर हो रहा है? अब जो है पिछला जो अभी 14 स्थानों पर चुनाव हुआ जहाँ बसपा जो 11 पर लड़ी और सपा 3 पर लड़ी, तो वहाँ पर कई जिलों में यह खबर आई कि जो है समाजवादी पार्टी का जो है वो बसपा की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब सच्चाई कितनी है तो 23 को ही पता चलेगा। नहीं सर, एक सवाल और भी, हाल में गाजीपुर में रैली के दौरान जिस तरह से गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी टकराव देखने को मिला, ये क्या इशारा करता है? जी देखिए, अच्छा जी, इसके बहुत मायने हैं। मायने इस अर्थ में है कि आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी जो है अफजाल अंसारी को सीट दी थी, उस स्थिति में पार्टी में जो ही बगावत हो गया था और अखिलेश जी इसके खुल करके विरोध में आए, और जब वहां उनको हटा दिया गया पार्टी से, तो उस समय जो है अफजाल अंसारी मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव जी को इतना बुरा भला कहे कि गाजीपुर के जो लोग थे, जो विशेष तौर पर जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, विशेष रूप से यादव हम कह सकते हैं, इतने नाराज हुए थे, इतने नाराज हुए थे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो है वो हिस्से में बनी हुई है और उसी को लेकर के टकराव जो है देखा जा रहा है। जी तो ये टकराव जो है ये आपको, चौधरी मोहसिन साहब, आपको नहीं लग रहा कि ये नुकसानदायक साबित हो सकता है? आप दावे तो खूब कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। नुकसान होगा, कहीं ऐसा ना हो 23 के बाद आप लोग कहें कि हम आपके हैं कौन? अच्छा जी, कोई नुकसान नहीं है, गठबंधन की लहर है, गठबंधन की हवा है उत्तर प्रदेश में। लोग अखिलेश जी और मायावती जी में भविष्य देख रहे हैं अपना। इतना धोखा खाए हुए हैं ये 5 साल में, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, बात सबकी करनी पड़ेगी। मोदी जी तो कोई बात कर नहीं रहे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे तो विरोध और झेलना पड़ेगा। विरोध तो झेल लिया उन्होंने, और झेलना पड़ेगा। आप देखो क्या क्या सभाओं में बात कर रहे हैं। मोदी जी का साइंस क्या है? बादलों से रेडार को चकमा दे देना। आप कहां मुद्दों पर? मोदी जी का आईटी क्या है? मोदी जी का आईटी क्या है? आप इस अगर इन पर उलझेंगे ना तो फिर वो 4 बातें आपको याद दिलाएंगे, तो उसमें हम उलझना नहीं चाहते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल में हमारी ताकत मजबूत है, तो उसके पीछे आधार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शिव पांडे जी, आपने अभी जिस तरह से आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से हम नहीं है, गुस्सा है, जनता की नाराजगी है, जैसा कि आपने बाय इलेक्शन में भी देखा, गुस्सा। पूर्वांचल हमारा मजबूत था, तभी हम फूलपुर जीत गए, तभी हम गोरखपुर जीते। आप देखिए, हमने लेकिन 2014 में सारी सीटें गंवा दी थी ना। पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि आपने अभी आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया, और इस दौरान उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया गया। यह आरोप आपके पार्टी अध्यक्ष की तरफ से भी लगा दिया गया कि चाहे सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश को चौपट करके रख दिया। लेकिन अगर अब आपको लग रहा है कि उम्मीद आपके ऊपर है, लेकिन जो जिम्मेदारी सौंपी गई प्रियंका गांधी वाड्रा पर, पूर्वांचल का प्रभार सौंपा गया, लेकिन जिस तरह से दूरी उनकी देखने को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है कि आत्मविश्वास ज्यादा आ गया कि प्रियंका के चेहरे पर हम चुनाव जीत जाएंगे, या फिर माने कि आपने आत्मसमर्पण कर दिया? अक्षय जी, एक बहुत सबने निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है तो उसको भी समय आप सबके अनुसार दिया करिए। कई बार मैं पूरा मौका, मैं तो कोशिश करता हूं आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, मेरा प्रयास ही रहता। हमारा निवेदन है हमारे साथ साथ, हाँ, जो भी और कांग्रेसी अनुशासित कार्यकर्ता है उसको भी आप समय दीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैंने एक बात कही कि 30 साल में हमारी सरकार नहीं रही उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस वजह से उत्तर प्रदेश पिछड़ा किन्हीं भी कारणों से, जात पात की राजनीति हुई या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई, इस पर हमारी बहन ने एक प्रतिक्रिया दी कि साहब, मैंने उत्तर प्रदेश में बड़ा विकास किया है, पूर्वांचल में बड़ा विकास किया है। सिर्फ 2 घटना याद दिलाऊंगा जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है कि एक परिवार अपने 3 बच्चों को जहर खिलाता है और वो खुद आत्महत्या कर लेता है, ये है हमारी मोदी जी का बनारस। तीसरा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है उसको अगर मिनी एम्स का नाम दिया जाता है तो वो कांग्रेस की देन है। उसको ऐड हमारी सरकार में माननीय गुलाम नबी आजाद साहब
जब चिकित्सा मंत्री थे तब उन्होंने उस एड को दिया था और बीआरडी कॉलेज को हमने डेवलप किया, मिनी एम्स बनाया। उसी बीआरडी कॉलेज के अंदर एक छोटे से गैस ना होने के कारण, वहाँ ऑक्सीजन ना होने के कारण वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निकालने के लिए, इसकी कोई रास्ता निकालने के लिए वो डॉक्टर को, प्रशासन को और उनको वहां पर वो सस्पेंड कर देते हैं। ये फर्क है हमारी सोच में और ये भाजपा की सोच में। सर सवाल ये, इनके सवाल सबसे बड़े नेता आपने दावा तो ये कर दिया। मैं आ रहा हूँ, आपने सुन तो लीजिए, फिर आप कहेंगे सर सुनिए ना, स्पीच नहीं देनी है ना, आपको सवालों का जवाब देना है, फिर आप कहते हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला। ये तोहमत तो कम से कम मत लगाया कीजिए ना। मुझे ये बताइए कि जिस बीआरडी का आप क्रेज ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बना था और हमने एक मिनी एम्स दिया था उत्तर प्रदेश के लोगों को, ये वही बीआरडी है जहां पर इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आने की वजह से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और गैस रिसाव गैस की वजह से, जो ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई थी उसको खूब हम लोगों ने बहस भी की है। मुझे ये बताइए ना, इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम को लेकर जो उपाय किए गए वो कारगर अब तक क्यों साबित नहीं हुए थे? ये तो आप जो मौजूदा सरकार है या जो मौजूदा लोग हैं उनसे आप बात करें। मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर चीनी का कटोरा पूर्वांचल कहलाता था, अगर गोरखपुर और बनारस में फैक्ट्रियां लगी, अगर बुनकर खुशहाल था तो वो कांग्रेस के समय था। आज वहां की क्या स्थिति है जहां से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद आते हैं ये आपको पता है और आप ये भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा को आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में तो छोड़िए पूरे देश में कोई वोट देने नहीं जा रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मुझे जल्दी से ये बता दीजिए फिर मैं अनिता जी आपके पास आ रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि प्रियंका गांधी को आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी पूर्वांचल की, लेकिन एक वाराणसी में एक दौरे के बाद उनका दौरा नहीं हुआ है, शायद कल का दौरा प्रस्तावित है, बाकी जगहों पर अब तक फोकस नहीं रहा है, इसके पीछे आत्मविश्वास है कि हम जीत जाएंगे प्रियंका के चेहरे पर, या फिर ये माने कि आप लोगों ने हथियार डाल दिए? नहीं, प्रियंका जी के अलावा भी हमारे और कार्यकर्ता और नेता है जो पूर्वांचल में काम कर रहे हैं। सलेमपुर में प्रियंका जी रहेंगी, बनारस में रहेंगी, सलेमपुर में हमारे राजेश मिश्रा जी सांसद रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अजय राय जी हमारे बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, कुशीनगर से आरपीएस सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लल्लू प्रसाद जी जो हमारे सीएलपी लीडर है वो पूर्वांचल से आते हैं। तो पूर्वांचल में बहुत हमारे ऐसे बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं जिसमें प्रियंका जी को और भी पूरे देश में प्रचार करना है और हमारी आवश्यकता अगर सलेमपुर और बनारस में लग रही है तो प्रियंका जी आ रही है। तो आत्मविश्वास है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं, प्रियंका जी लोगों के विश्वास है? प्रियंका जी, मैं वही कह रहा हूँ, प्रियंका जी ने इलाहाबाद से लेकर और बनारस तक की गंगा की नौका यात्रा करी है, वो पूर्वांचल को लेके करी है, कल भी सलेमपुर में और बनारस में है वो। राजबब्बर जी हमारे महाराजगंज आ चुके हैं। ठीक, मैं अब दोबारा आपके पास आऊंगा। अनिता जी, भोला पांडे, अनिता जी अब जवाब ये दीजिए कि आप लोग तो डबल इंजन की सरकार भी कहते रहे, पहले ये कहकर पल्ला बच जाता था कि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है, केंद्र सरकार योजनाएं तो देती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आप तो डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल सही कहते हैं। और अगर मान लीजिए चुनावी नतीजे फेवर में नहीं आते तो क्या पार्टी आपकी इस बात को स्वीकार करेगी कि आप लोगों के कामकाज से लोग खुश नहीं थे? अक्षय जी, नतीजे पूरे फेवर में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नतीजे नहीं आएंगे, हमको पूरा विश्वास है जनता पे। और सबसे बड़ी बात है हमने अस्पतालों की स्थिति को सुधारा है, इधर जो हमने प्रदेश में जो केंद्र से योजनाएं आई हैं उसको हमने अंत्योदय तक, जो सबसे अंतिम वहां तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात है अभी इन्होंने बोला कि नाव से यात्रा की, भैया देखिए गंगा साफ हुई, आचमन हुआ, एक बूंद, एनजीटी की रिपोर्ट है, माननीय मोदी जी ने कहा था कि आप सुन लीजिए, फिर आप लोग कहते हैं कि मेरी बारी में कोई दूसरा ना बोले। पांडे जी, अच्छे भाई देखिए, सुनिए ना, एक अच्छे वक्ता का एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मोहसिन साहब देखिए कितने सुकून के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, वो भी अपने तर्कों के साथ बात रखेंगे। आपका बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है सर, सुनिए ना सर्टिफिकेट आप दे दीजिएगा बाद में ना, आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। पांडे जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। भैया पहले सुन लीजिए, बाद में जवाब दे दीजिए। चक्कर ये है कि कांग्रेस इन्होंने ना संसद में चलने दी है, आप
ये लोग अविश्वास का वो भी लाए थे, पंडित जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा बड़ी बात है, सुनना नहीं चाहते। हमने सारी योजनाएं निफ्टा तक लेकर आए, अंत्योदय तक लेके आए हैं, और वो योजनाएं लागू हुई हैं। और बिजली, जो बिजली गांव में नहीं थी, आज गांव बिजली है। अभी हम अम्बेडकर नगर जब गए थे तो अम्बेडकर नगर में कहा कि हम लोग बिजली से तीन तीन दिन तक परेशान रहते थे, चार चार दिन। आज बिजली के नाम पे ही हम यहाँ पे मोदी जी के साथ है कि बिजली अम्बेडकर नगर में, ये वहाँ की जनता के गांव के लोगों ने कहा कि बिजली में हम लोग का बहुत बुरा हाल होता था, और आज गांव बिजली पहुंची है। ये हमारी ही सरकार की देन है। इतने साल हो गए आपके सरकार में, 10 साल इन्होंने अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार चलाई है। रायबरेली में सोनिया जी रही है, अमेठी में राहुल जी रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया? और आज उसी की तुलना में आप बनारस देख लीजिए जाके। चले वो कहेंगे कि अब नतीजों का इंतजार कर लीजिए, तो नतीजों का इंतजार करना बेहतर है, नतीजों के दिन का इंतजार करना बेहतर है। लेकिन एक ब्रेक पर जाने से पहले, एक ब्रेक पर जाने से पहले अरविंद जयतिलक जी, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है नीता जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले अरविंद जयतिलक जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ठीक है नीता जी, ठीक है नीता जी, मैं आऊंगा ना। हम उन्हीं दावों की तो बात कर रहे हैं जिन पर अब रिजल्ट देना है जनता को, अंतिम चरण का मतदान है। लेकिन अरविंद जयतिलक जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि गठबंधन और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला पूर्वांचल की 13 सीटों पर है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, आप मुझे बताइए कि जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि अभी कल प्रियंका जी काशी जाएंगी, फिर कुछ और नेताओं की बात कही है, पूर्वांचल का प्रभार तो प्रियंका गांधी के कंधों पर था, क्या ये नहीं माना जाएगा नतीजों के बाद कि अगर जादू नहीं चलता है तो नेतृत्व पर सवाल उठने लगेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के? बिल्कुल नेतृत्व पर सवाल उठेगा। देखिए, पूर्वांचल के 42 सीटों की जिम्मेदारी इनको दी गई है, और अगर मान लीजिए कि 2-3 सीट भी अगर नहीं ला पाते हैं तो नतीजतन जो है सवाल तो उठेगा ही। भले ही कांग्रेस पार्टी के अन्य जो अब सेनापति है आगे बढ़ के कह देंगे कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन देश में यह संदेश तो जाएगा कि प्रियंका जी का जादू नहीं चल पाया, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक 21 जो है मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें 11 मुख्यमंत्री जो है पूर्वांचल के हैं। उन पूर्वांचल के 11 मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक कांग्रेस के हैं। आप देखिए, कमलापति त्रिपाठी से लेकर त्रिभुवन नारायण सिंह, राम नरेश यादव, वीर बहादुर सिंह जी, और फिर जो है बीपी सिंह। लेकिन पूर्वांचल को अगर आप देखेंगे तो बदहाली का सबसे जो है शिकार जो है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का हिस्सा है। आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, वहाँ का प्रति यूनिट बिजली की खपत देख लीजिए, घाघरा और गंगा के कटाव से न जाने कितनी फसलें नुकसान हुई। पांडे जी तो दावा कर रहे हैं कि जब तक हम थे तब तक सब कुछ ठीक था जी, उसके बाद बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश। और अभी ये पांडे जी अभी कह रहे थे कि गोरखपुर में जो मलेरिया इंसेफ्लाइटिस या और जो तमाम बीमारियां मेनिनजाइटिस वगैरह, तो कोई आज की बीमारी नहीं है, ये 50 साल से बीमारी चल रही है, उसकी रोकथाम अभी हमने की है। चूंकि मीडिया जो है प्रभावी हुआ तो सारी चीजें छन के बाहर आ रही है। तो एक कैमरूनी कहावत है कि जो प्रश्न करता है उत्तरों को टाल नहीं सकता है, तो पांडे जी भी उत्तरों को टाल नहीं सकते हैं, इनको ये भी जवाब देना होगा। सर, वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि जिस इंसेफ्लाइटिस का जिक्र किया जा रहा है, वो इंसेफ्लाइटिस तकरीबन 40 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो गया पूर्वांचल के लिए, जो एक नासूर की तरह था, और अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जाना, अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत होना, इस बात का गवाह है कि कितना बड़ा खतरा ये पूर्वांचल के लोगों के लिए था या फिर है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं आऊंगा अनिता जी आपके पास, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 23 मई के पहले दावे सबके अपने अपने खूब किए जा रहे हैं, सब कोई यही कह रहा है कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, उधर थर्ड फ्रंट की कवायद भी तेज होती जा रही है, जिसमें यह भी कहा जाने लगा है कि कांग्रेस अगर थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनना चाहेगी तो उसके आने का स्वागत किया जाएगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठने की उम्मीद कांग्रेस ना पाले। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस या बीजेपी के पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो थर्ड फ्रंट की अगर सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, और ये दोस्ती कैसे गठ, हम बात कर रहे हैं चुनावी घमासान की जो अपने अंतिम दौर में है। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर सभी दलों की निगाहें हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर आधार क्या है, जातीय समीकरण के आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं या फिर कोई और नुस्खा भी है आप लोगों के पास? साहब, हम लोग जातिगत समीकरण पे नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई और नुस्खा है। हम लोग
ग्राउंड लेवल पर मेहनत करी है, ग्राउंड लेवल पर देखा है कि जनता नाराज है। पूर्वांचल की जो पूर्वांचल के लोग हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं चोट करने जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर। आप देखना, आप हम लोग पश्चिम जितने छह चरण हुए, छह चरण में गठबंधन सबसे मजबूत रहा। और आप अभी खुद बोल रहे थे ब्रेक से पहले कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर गठबंधन से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये औंधे मुंह गिरने जा रहे हैं, बौखला गए, जो समझ में आ रहा बोल रहे हैं। ये दावा तो वो भी कर रहे हैं जो दावा आप कर रहे हैं, सरकारी है। यही दावा तो अनीता अग्रवाल जी भी कर रही हैं। अब साहब दावा किसका सही है ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं, ये बात तो सही है कि नतीजों पर ही पता चलेगा कि दावे में किसके दम है, लेकिन हम यही तो समझ रहे हैं ना कि नुस्खा आपके पास क्या है जातीय समीकरण के अलावा, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से गठबंधन हुआ था उसमें यही आकलन किया गया था कि इतने दलित, इतने मुस्लिम, इतने यादव, इतने निषाद, इसलिए हमारा परसेंटेज इतना, इसलिए जीत का दावा हमारा पुख्ता है। यही दावा है या फिर इसके अलावा भी कोई नुस्खा, यही तो हम जान रहे हैं साहब। ये ना मुस्लिम, ना दलित, ना यादव, पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है और सब अखिलेश यादव जी की तरफ है। गठबंधन, और सबसे अच्छा ये हो गया कि बहन मायावती जी से गठबंधन हो गया, हम और मजबूत हो गए, हमारा गठबंधन और मजबूत हो गया, जिससे मोदी जी भी बौखला गए, अमित शाह बौखला गए। पांडे जी आप देखो कहां, आप लोगों के सामने भी चुनौती है ना, क्या क्या कि बीजेपी एक तरफ मुकाबले में है, दूसरी तरफ गठबंधन, आप कहां ठहरिएगा? नहीं बिल्कुल, हमारे जो हमने आने 10 साल की यूपीए की सरकार रही है और जिस तरीके से हमने कांग्रेस को राज उत्तर प्रदेश में किया जब हमारी सरकार हुआ करती थी, वो लोगों को याद है, वो लोग आज भी हैं। प्रियंका जी की जिस तरीके से मेहनत है और जिस तरीके से लोगों का विश्वास है, हमारी जो 72,000 की योजना है जो हम गरीबों तक लेकर जाएंगे, जो हमारे किसानों का ऋण माफी है और उनको इस चीज का विश्वास दिलाना है कि आपके पे ट्रेडमार्क एक्ट नहीं लगेगा, आपको फांसी लगाने की जरूरत नहीं है, उन योजनाओं पे, उन मैनिफेस्टो पे सरकार, जनता विश्वास कर रही है। और निश्चित तौर पर पूर्वांचल में प्रियंका जी के नाम पर, हमारे मैनिफेस्टो के नाम पर जरूर जनता हमें चुनने जा रही है। जब आप 30 साल पुराने कामों को पांडे जी गिना रहे हैं, इससे पूर्व के 10 सालों के काम को गिना रहे हैं, तो मुझे बताइए कोई तो वजह रही होगी। रायबरेली, अमेठी छोड़कर आप बाकी सभी जगहों पर हार गए थे। मेरी बात सुनिए, मैंने 30 साल पुराने काम को नहीं गिनाया, मैंने कहा कि जिस तरीके से हमारी सरकारें रही हैं यूपीए में, उत्तर प्रदेश में, और जो हमारी मैनिफेस्टो आ रहा है, जिस मैनिफेस्टो पर 72,000 का हमने गरीब परिवारों को देने का वादा किया है, किसानों को हमने रिमूव करने, गरीबी दूर हो जाएगी, पांडे जी फांसी लगाने के, गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी बिल्कुल निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर उन परिवार को फायदा मिलेगा। तो पैसा 71 में झूठ बोला था क्या, गरीबी हटाने के नाम पर 71 में झूठ बोला गया था क्या? इमदनी नहीं, देखिए मैं इसको, 72,000 की रिश्वत देकर आपको लग रहा है कि वोटर आपके पाले में आएगा? आप मुझे अक्षय जी, आप मुझे बताइए 71 में इस देश की जनसंख्या क्या थी? सर गरीबी तो थी नहीं, जनसंख्या गरीबी थी या नहीं थी? और आज 125 करोड़ है, बताइए ना, 25 करोड़ है। सुनिए, हमने सुनिए ना, गरीबी तो उस वक्त के संसाधन उस हिसाब से थे, आज के संसाधनों में भी परिवर्तन हुआ है। 31 ये बताइए ना, 1971 के वादे को 2019 में आपको दोहराना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आज चार गुना, आज हमारी देश की जनसंख्या 4 गुना हो गई है। और निश्चित तौर पर चाहे इंदिरा जी ने नारा दिया हो, चाहे राजीव जी के प्रयास रहे हो, चाहे और बाकी कांग्रेसी सरकारों के प्रयास रहे हैं, सबने ये कोशिश करी है। और फिर हमारी वो कोशिश है कि इस देश से गरीबी मिटनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसने, कौन ऐसा किसानों के पक्ष में मुद्दा लेके आया कि आज किसानों की जमीन बिना उसके सर्किल दाम के, बिना उसके दाम के नहीं खरीद सकते? कोई भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो नहीं ले सकती है। अगर आज वो किसानों का मुद्दा लेके आए, आज वो बिल लेके आए हैं, तो राहुल गांधी जी लेके आए। सर मुझे बताइए, 44 सांसद हैं, लेकिन आप मजबूती, मीठी मीठी चीजें गप करना चाहते हैं, कड़वी चीजों पर कहते हैं कि पुरानी बातों पर बात मत कीजिए। मुझे मोहसिन साहब इस पर एक जवाब जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं अनीता जी आपके पास आ रहा हूँ। ये 72,000 रुपए से गरीबी दूर हो जाएगी क्या, पहला सवाल ये आपसे, जो पांडे जी दावा कर रहे हैं, अगर 71 में गरीबी दूर करने का दावा किया था तो फिर आज ये क्यों कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी, किसानों का संकट दूर हो जाएगा? मैंने आपसे ठीक सुन लीजिए पांडे जी, उन्हें भी अब समय थोड़ा कम है, संक्षेप में अपनी बातें पूरी कीजिए। हमने
हमने किसानों का कर्जा पूरे देश में माफ किया। पांडे जी, आजादी के बाद से इतिहास है, लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, छत्तीसगढ़ में माफ किया, लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। अगर आप ये आ जाएंगे आंकड़ों पर तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, सुन लीजिए। इसलिए मोहसिन साहब, नहीं बिल्कुल, आप अगर मोहसिन साहब, मेरा सवाल ये है, 72,000 से आपको लग रहा है कि देश की गरीबी मिट जाएगी? गरीबी तो नहीं मिटेगी, मगर हाँ। किसी की परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, मगर ये पूरा उपचार नहीं है। गरीबी दूर करने का ये पूरा उपचार नहीं है। गरीबी दूर करने का उपचार ये है कि आप नौजवानों को रोजगार दें, व्यापार के संसाधन बढ़ाएं। मगर जैसा कि सर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 72,000 देने के बाद अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, रोजगार भी बढ़ जाएगा, छोटे कारखाने भी आगे बढ़ जाएंगे और देश की गरीबी दूर इससे हो जाएगी। अगर इससे गरीबी दूर हो जाती है तो 360,000 रुपए, अगर 360,000 करोड़ का खर्च अगर सालाना है तो इसमें बुराई क्या है? सरकारें सारा फोकस इस पर कर ले, गरीबी दूर। साहब अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या काम है नहीं वो हम नहीं जानते, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है और कहते हैं कि गरीबी काम से रोजगार से दूर होगी। आपने ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, उससे साइड में मंडी बनाई, उससे वहां के किसानों को रोजगार मिला। कितनी मंडियां चल रही हैं? और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी काम किया था, मगर योगी सरकार ने पूर्वांचल वालों को धोखा देने का कुछ मंडियों के बारे में जिक्र आप कर रहे थे, कितनी मंडियां हैं मोहसिन साहब, कितनी मंडियां हैं जो चल रही हैं, कितना लोगों को रोजगार मिल गया, जरा आंकड़ा बता दें साहब। अब ये सवाल तो अब आप अनीता अग्रवाल से जी से पूछे ना, हमने तो 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना के दे दिया, घोटाले कर मंडियों का इंतजार किसके लिए कर रहे थे फिर अभी दावा क्यों कर रहे हैं? फिर आप दावा क्यों कर रहे हैं कि मंडियों के बारे में उनसे जवाब ले लीजिए, फिर दावा क्यों कर रहे हैं? साहब कितनी मंडियां चालू करी है तो बीजेपी वाले बताएंगे। सर आपने कहा कि हमने मंडियां चालू कर दी और वहां पर रोजगार मिल गया लोगों को, तो आप बताइए ना कितने लोगों को। हमारी सरकार होती तो हम लोग मंडियां जब बनवा दी, चालू कराने का काम तो सरकार का है साहब। अब ये तो ये बताएंगे कि इन्हीं ने क्या किया। अनीता जी जवाब दीजिए, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहुत काम किया। देखिए इन्होंने अपना मैनिफेस्टो का बोला, मैनिफेस्टो इनका क्या है सब जानते हैं, क्या है क्या है मैनिफेस्टो? आपने अपने मैनिफेस्टो की सुन तो लीजिए, पांडे जी सुन तो लीजिए, इम्प्लीमेंट नहीं करी है। नहीं गलत देखिए, मैंने आपसे फिर एक बात कही तो फिर मैं देश दो का कानून खत्म करेंगे, एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, देश दो का कानून खत्म करेंगे। आपके चैनल, आपका सम्मानित चैनल है, इसको लाखों लोग देखते हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि बीजेपी का एक काम है कि वो अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं करेगी। सर सुनिए ना, आपका भी तो वही काम है, आप भी तो वही काम कर रहे हैं पांडे जी, प्रधानमंत्री आप भी तो वही काम कर रहे हैं, झूठ बोलता है। सर सुनिए ना, जब मैं आपसे सवाल करता हूँ तो आप दाहिने बाएं भागते हैं पांडे जी, फिर आप बहस को बहस की तरह ही चलना देने चाहते हैं। थोड़ा सा संयम रखिए पांडे जी, थोड़ा संयम रखिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा पांडे जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्टो पर ही आपके बात कर लूंगा। अनीता जी अपनी बात पूरी कीजिए, अनीता जी संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। मध्य प्रदेश में सरकार हुए, मध्य प्रदेश में सरकार बने, 6 महीने हुए, 300 करोड़ का घोटाला आ गया, ये घोटालों की सरकार जनता से जाते। हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया, नहीं हुआ 100%। शिवराज सिंह भाई, शिवराज जी के भाई का ऋण हमने माफ किया, सर ये जो आपसी टूटी मैं हो जाती है ना, ये दर्शाती है कितनी बौखलाहट है कि कहीं हमारी कलाई ना खुल जाए, इसलिए बीच में बोलना शुरू कर दिया जाए, बीच में बोलना शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को कुछ समझ ना आए। अनीता जी सुन तो लीजिए, जब हम बोलने लगते हैं तो लोगों में, मैडम बोलिए, देखिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि अपनी अपनी बारी में बात रखेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा और आप लोगों को भी बताने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब एक दूसरे में उलझ जाते हैं तो किसी की बात समझ नहीं आती। देखिए अक्षय जी, हम बड़ी शांति सुन रहे थे, हम जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनते ही इन लोगों को एकदम से इतनी बौखलाहट हो जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने क्या किया है देश में, आज देश को, देश क्यों इतना पीछे गया है इनको मालूम है, आज देश जब आगे बढ़ रहा है उससे इनको दिक्कत। मुझे बताइए, सबसे
सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों से ज्यादा है। अनीता जी, इस पर जवाब क्यों नहीं देती आप? एक समय था, हमने कहा एक समय था, इनका बोले थे कि इंदिरा लाओ देश बचाओ। फिर अरे मैडम, कहाँ पुरानी बातों में जा रही हैं, मुझे आप बताइए ना कि पांच साल पहले जो आप लोगों ने वादा किया था, अनीता जी पांच साल पहले जो आप लोगों ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर अगर वो वादा आप कह रहे हैं कि हमने लगभग पूरा किया, आपने कहा पूरा किया, तो मुझे बताइए कि 45 सालों की रिकॉर्ड बेरोजगारी इन 5 सालों में क्यों? वो रोजगार दिया अनीता जी, सुनेंगे नहीं सवाल? अनीता जी सुनेंगे, सुन तो लीजिए, आंकड़े क्या कह रहे हैं अनीता जी, मुझे बताइए आंकड़े क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 5 सालों में क्यों है? ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? फिर देखिए ऐसा है, हमने रोजगार से सारे उनको रोजगार मतलब विकास से रोजगार दिए, सारे सब जगह विकास हो रहा है, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो हमने आयुष्मान और हमने दवाइयां कितनी सस्ती की है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप स्वरोजगार पर आकर टिक जाते हैं। नहीं, मैं आंकड़ा दे रही हूँ, मैं कितनी नौकरियां दे रही हूँ, आंकड़ा भी लाई हूँ, आंकड़ा संक्षेप में जल्दी जल्दी बता दीजिए, कितने लोगों को नौकरियां दी रोजगार के लिए? देखिए बता दीजिए आप मैडम, अब आप पर्चा खोलेंगे, अब आप पर्चा खोलेंगे, आपको देख कर बताना पड़ेगा कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। नहीं, देखिए हमने जो आवास की योजनाएं दी उसमें हमने जो बनवाया गया उसमें रोजगार नहीं मिला लोगों को, जो हमने शौचालय बनाया उसमें रोजगार नहीं मिला क्या लोगों को? मैडम नौकरियों की बात हो रही है, बना रहे उसमें क्या नौकरियाँ क्यों नहीं मिला लोगों को? नौकरियाँ क्यों नहीं मिली? स्वरोजगार अपनी जगह भी हमने दी है, हमने चौकीदार की नौकरियाँ दी है, अच्छे जी चौकीदार की नौकरियाँ दी है, हमने स्वावलंबी बनाया, हमने स्वावलंबी बनाया लोगों को, मुद्रा लोन लेकर हमने कहा अपने रोजगार अपनी रोजगार खोली और लोगों को रोजगार। चले आपके इन दावों की परख भी 23 मई को हो जाएगी, आपके इन दावों की परख भी 23 मई को हो जाएगी, क्योंकि अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है, दावे आप भी कर रहे हैं, पांडे जी भी ने कर दिए और मोहसिन भी कर रहे हैं कि गठबंधन जीतने जा रहा है, पांडे जी तो मैनिफेस्टो भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक फाइनल इलेक्शन अरविंद जैते लगी, ठीक है अनीता जी, अनीता जी आप भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही हैं, पांडे जी भी बना रहे हैं और मोहसिन साहब भी बना रहे हैं, अरविंद जैते लगी संक्षेप में अपनी बात मोहसिन साहब पूरी कर सके कर लीजिए। आप अनीता जी वही बात कर रही है जो देश के प्रधानमंत्री ने बात करी कि वो जब देश में ईमेल ही नहीं था तब वो फोटो मेल करते थे, वही बात अनीता जी आज कर रही हैं। सर फिर वही बात आप पर भी उठेगी ना कि जब आपका काम बोलता था, आपका काम इतना बोला कि 47 पर आ गए, इतना काम बोला 47 पर आ गए, जिसमें आप टाइम छोड़िए ना, आप उलझा रहे हैं दूसरे मुद्दे पर, अरविंद जयतिलक जी, अरविंद जयतिलक जी आपको 23 मई को पता चल ही जाएगा, अनीता जी प्लीज प्लीज, अरविंद जयतिलक जी समाजवादी सफा हो गई यहाँ से, आज इनको गठबंधन के लिए मैडम ठीक आपके नंबर बचाने के लिए उनके अरविंद जयतिलक जी, अरविंद जयतिलक जी ये बताइए मुख्यमंत्री की सीट के लिए हम लोग अपनी 543 के बजाय 1500 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या अरविंद जयतिलक जी? बात कर रहे हैं अरविंद जयतिलक जी, 543 के बजाय सीटों की संख्या बढ़ा दी गई क्या? सब दावा कर रहे हैं कि हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार, हम भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, 23 मई का इंतजार कर लिया जाए वो ज्यादा बेहतर है। दरअसल अच्छा जी, इनको इन लोगों को इंतजार में खतरा नजर आता है, इसलिए जो है अपनी जो है जुबानी संवाद को बनाए रखना चाहते हैं। पहली चीज, अभी जो है पांडे जी गरीबी की बात कर रहे थे, 71-72 यानी 71 में जो गरीबी का नारा दिया गया उसको 72,000 से दूर करने की बात, तो मैं आपको विश्व बैंक का एक जो है आंकड़ा बता रहा हूँ, हम लोगों से 2 साल बाद चीन 1949 में आजाद हुआ और 1949 से लेकर 2014 तक जो है चीन जो है 47 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, हम लोग जो है 4 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से केवल बाहर निकाले हैं। पहली चीज, इसमें सबसे अधिक कांग्रेस का शासन रहा है तो जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। पहली चीज, एसोचैम का एक रिपोर्ट आया है कि मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में सबसे अधिक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के नाम पर किसानों की जमीन हड़पी गई। बिल्कुल नहीं, और 50 भूमि अधिग्रहण बिल अगर इस देश में कोई लेके आया तो राहुल जी लेके आए, कांग्रेस लेके आई। पांडे जी सुन तो लीजिए, इतना धीरज क्यों खो रहे हैं? देखिए गलत आंकड़े सर, आप कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो रहा है, जब आप पर सवाल उठते हैं तब आप कहते हैं कि गलत आंकड़े मत पेश किए जाएं, लेकिन आप याद कीजिए उन बयानों को भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्रियों की तरफ से दिए जाते हैं। ये कहा जाता है किसानों के मामले पर कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है,
ये कहा जाता है आपके पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कि हमारे पास पेड़ नहीं है रुपयों का, गरीबी सोच में होती है। फिर अगर आप कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे तब आपकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम समझ सकते हैं कि चुनाव का तनाव है, लेकिन इस तनाव से अभी आप लोगों को गुजरना है क्योंकि अंतिम चरण का मतदान बाकी है और उसके बाद 23 मई को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो खुद ब खुद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है और जनता ने किसके बातों पर यकीन किया है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, खबरें लगातार जारी।